युगो युगो से चल रहा है मैं, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनी शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 16 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, वैशाख मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज नवमी तिथि सुबह 6:11 तक रहेगी और उसके पश्चात दशमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, सुबह 11:55 से लेकर 12:47 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 1:58 से लेकर 3:34 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि आज रक्तचाप गिरने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आज लोहे की मशीनरी से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोगों को धन लाभ होगा और आज आपको काफी कस्टमर्स मिलेंगे जिससे आपकी इनकम बढ़ना तय है। आज यदि आप विदेश यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा और आपको करियर ग्रोथ के नए ऑप्शन भी प्राप्त होंगे। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर यह विदेश यात्रा आज अत्यंत शुभकारी होगी और आपको नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आज यदि आप किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो उसका भला हो जाएगा और उसके सभी काम बन जाएंगे। आज यदि आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी। आज साधु संतों को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें आदर भाव के साथ भोजन कराएं और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दें। मकर राशि वालों, अगर आप संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आपके प्रेम विवाह में, आपके लव मैरिज में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि आपके घर वाले नहीं मान रहे हो या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज आपको प्रातः काल उठकर
भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर के सम्मुख ये उपाय करना है। आज आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोबारा दोहराने जा रहा हूं, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का आपको रोज 3 माला जाप स्फटिक माला या लक्ष्मी वर वरत माला से करना है। यह उपाय आप लगातार 3 महीने तक करिए। इसके पश्चात हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और अपना प्रेम विवाह हो जाने की प्रार्थना करें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके प्रेम विवाह में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज का आपका राशिफल देते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दिवाई नगर सरोजी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां? दिखाइए। तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई? हो रही। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उनके कहे रास्ते पे चलें। चलिए, जय शनिदेव। हमारी वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।